क्लास में देखेंगे स्विच गियर के बारे में। स्विच गियर सप्लाई को कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और अगर जब फॉल्टी टाइम आता है, कोई जगह फॉल्ट अगर आता है, तो उसको वहाँ से डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो स्विच गियर का जो पार्ट होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ये तो एक रिलायबल होना चाहिए, मतलब आपका सप्लाई को कंटिन्यूस से प्रोवाइड करे। उसके बाद सेकेंड इसका होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक कि सिर्फ फॉल्टी पार्ट को, जो पार्ट में फॉल्ट आया है, उस पार्ट को यहाँ पे आइसोलेट करना चाहिए, उस पार्ट को वहाँ पे कट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए घर में ही सोचिए, घर में अगर एक जगह एक वायर में कोई फॉल्ट आया, तो और उससे अगर पंखा कनेक्टेड है, तो हम क्या चाहेंगे कि पूरा घर का लाइट काटे या सिर्फ पंखा का जो वायर जा रहा है वहाँ पे उसके लाइट काटे। या आपके घर में अगर मान के चलो 10 रूम है, 10 रूम में एक रूम में कहीं फॉल्ट आता है, आपने हीटर लगाया या फिर हीटर लगाया जो कि उसका रेटिंग से ज़्यादा है, तो उस टाइम में वहाँ का MCB वहाँ पर ट्रिप होता है। ये नहीं कि पूरा घर का लाइट करता है, बाकी घर का सभी ऑपरेशन सही से काम करता है। तो वैसे ही अगर शहर का बिजली है, हमारे जो जनरेशन है, जनरेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे एक बार में एक शहर से एक जनरेशन से हो सकता है 200 शहर कनेक्टेड है, उससे कितने गाँव कनेक्टेड है। तो अगर एक गाँव में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो वहीं के सिर्फ लाइट को काटे, बाकी वहाँ बाकी सभी जगह सप्लाई ऐसे ही रन करना चाहिए, तो सिर्फ फॉल्टी पार्ट को यहाँ पे कट करे। तीसरी काम होना चाहिए कि यहाँ पे क्विक ऑपरेशन होना चाहिए। क्विक ऑपरेशन का मतलब है कि अगर कहीं फॉल्ट आता है, तो जितना फास्ट इसको कट करे। एग्जांपल के समझे, मान के चलो आपके एक आंधी आया या फिर बारिश आया, और उस बारिश में कोई वायर अगर टूट के गिरता है, तो उस जैसे ही टच हुआ ग्राउंड से हैवी करंट फ्लो होगा, और हैवी करंट फ्लो होगा तुरंत मिली सेकेंड में, सेकेंड भी नहीं लगता है, मिली सेकेंड में वो ट्रिगर कर देता है और इसको ऑफ कर देता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होना चाहिए, क्विक। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि अगर ऑटोमेटिक ये काम करना बंद कर दे किसी टाइम पे, तो हमें उससे उसके जगह पे इसको मैनुअली भी यहाँ पे कंट्रोल कर लेना चाहिए, मतलब कंट्रोल करने का ऑप्शन उसमें होना चाहिए। ठीक है, स्विच गियर में हम जो देखेंगे लो टेंशन लाइन स्विच गियर। लो टेंशन लाइन का मतलब है कि कम वोल्टेज, कम वोल्टेज ऑलमोस्ट 1500 वोल्ट से कम वोल्टेज। आपको पता ही है कि वोल्टेज जो यहाँ पे होता है 33,000 वोल्ट का भी जाता है, रेलवे में 25,000 वोल्ट होता है, और अभी तो बहुत हाई 132,000 वोल्ट का भी रहता है, उससे भी हाई यहाँ पे ऑपरेशन होता है। तो अगर 1500 वोल्टेज से कम है, उसके उसको बोलते हैं लो टेंशन लाइन। ठीक है, सभी डिवाइसेस वही रहेंगे, बस उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगा। ये इससे आप फेमिलियर है, ये आपका फ्यूज है। फ्यूज में टीन और लीड का, दोनों का एलॉय से बना हुआ, दोनों का मिक्सर से बना हुआ एक वायर कनेक्ट होता है। ठीक है, अब इससे क्या, मान के चलो ये आपका फेज है, ये आपका फ्यूज है, फ्यूज में ये वायर है, इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर दें, ये वायर है और यहाँ से वापस से सप्लाई जा रहा है, और ये आपका न्यूट्रल है। कोई आपका डिवाइस है, मान के चलो ये टीवी ही है आपका। अब टीवी में करंट जिसका क्षमता है कि ये 2 एम्पियर करंट को ले, किसी वजह से यहाँ से फॉल्ट आया। फॉल्ट आने का मतलब है कि कहीं लाइटनिंग आ गया, सर्ज आ गया, या फिर अचानक से वोल्टेज यहाँ पे बढ़ गया ट्रांसफार्मर पे, तो 2 एम्पियर के जगह पे यहाँ पे हो सकता है कि 6 एम्पियर आने लग जाए। जैसे 6 एम्पियर या 8 एम्पियर आने लग जाए, और इसका अगर क्षमता है कि 5 एम्पियर तक के टॉयलेट कर दे, तो जैसे 6 एम्पियर आएगा, इस सर्किट को यहाँ पे वायर को गला देगा, इस वायर को यहाँ पे कट कर देगा, तो सप्लाई यहाँ पे कट हो जाएगा। आपका जो टीवी यहाँ कनेक्टेड है, ये आपका सेफ में रहेगा। क्यों कट होता है, क्योंकि I²R(T) होगा, जितना ही करंट होगा उसका स्क्वायर टाइम में हीटिंग बढ़ेगा, और हीट बढ़ने की वजह से यहाँ पे इस वायर को यहाँ पे गला देगा। बट फ्यूज में एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार यहाँ पे वायर कट हो गया, मतलब वायर खराब जल गया, तो वापस में हमें वायर को ऐड करना पड़ता है।
तो इसको इस डिमेरिट्स को हटाने के लिए जो नया चीज आया वो है आपका MCB। इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इससे तो आप फैमिलियर है, आपके घर में भी यूज होता है। इसका डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर एक फेज एक न्यूट्रल के लिए है, दो यहाँ पे है फेज न्यूट्रल के लिए, आप चाहते हैं अकेला सिंगल फेज के लिए, तो यहाँ पे फेज के लिए भी रहेगा। इसका भी रेटिंग रहता है, 15 एम्पियर के लिए का रहेगा, फिर आपका 5 एम्पियर के रहता भी है, 30 एम्पियर के रहेगा, 500 एम्पियर के लिए भी रह सकता है, तो अलग अलग क्षमता है, ठीक है। तो इस क्षमता के अनुसार इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल ऑपरेशन है, कि जैसे ही ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हुआ, 15 एम्पियर के लिए है, और जैसे ही मान के चलो कि यहाँ पे 25 एम्पियर फ्लो हो गया फॉल्ट की वजह से, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो पावर बनाएगा, टॉर्क बनेगा, इसको यहाँ पे ट्रिप कर देगा, इसको नीचे गिरा देगा, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट आए क्या करेगा, इसको नीचे गिरा देगा और सर्किट को कट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि वापस थोड़ा टाइम बाद कि अगर फॉल्ट सही हो गया, तो इसको मैनुअली यहाँ पे जाकर उठाना पड़ेगा, उठाइएगा। अगर एक सही फॉल्ट सही हो गया तो ऑन हो जाएगा सप्लाई, और जो आपका कनेक्टर है, मान कर अगर टीवी कनेक्टेड है और या इंडस्ट्री का कोई लोड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ए सेफ रहेगा, इसको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई को हमने कट कर दिया। अगर फॉल्ट अभी भी है तो वापस उठाएंगे, वापस ही गिर जाएगा, ठीक है, जब तक कि एक लिमिट है 15 एम्पियर के अंदर में यहाँ पे करंट ना फ्लो हो, ठीक है। तो ये आपका MCB है। इसी का एडवांस रूप आता है MCCB, इसका नाम है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसमें भी ओवर करंट के लिए, अगर करंट बहुत ज़्यादा है उस टाइम में, यहाँ पे ओवर हीटिंग के लिए ये काम आता है। जहाँ पे MCB ऑपरेशन मतलब उसका लिमिट क्रॉस कर जाए, उस टाइम में भी यहाँ पे MCCB काम में आएगा। बाकी इसका डिटेल जब डिटेल में पढ़ना होगा उस टाइम देखेंगे, अभी इसका बेसिक ही समझते हैं, ठीक है। फ्यूज में अगर एक आता है HRC, हाई रपचरिंग, ये आपका है HRC, HRC फ्यूज है, हाई रपचरिंग कैपेसिटी करंट, ठीक है। हाई रपचरिंग कैपेसिटी के लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ 630 एम्पियर, तो ये फ्यूज ही की तरह है, लेकिन ये हाई करंट के लिए यहाँ पे है, ठीक है। फ्यूज को जनरली हम नहीं यूज कर पाते हैं हाई करंट में, वजह इसका है कि एक बार दो वजह है, ये सही से ऑपरेट नहीं करेगा, और दूसरी वजह है कि अगर एक बार इसका कट हो गया, मान के चलो 11,000 वोल्ट का लाइन है और यहाँ पे इसका वायर यहाँ पे गल गया, तो वापस चेंज करने के जाना पड़ेगा, और कहीं ये रफ एरिया में है वहाँ पे जाओ, फिर इसको ऑपरेट करो, इसको चेंज करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ हो जाता है इस वायर चेंज होने की वजह से। MCB में क्या है, MCB का पैनल आपका रहेगा एक जगह ऑफिस में, वहाँ से हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे ही ट्रिप हुआ इसको वापस ऑन कर देंगे। MCB आप समझ में आ गया होगा, जो कि आपको घर में भी यूज होता है, आजकल सभी के घर में MCB यूज होता है। अब MCB का जो एडवांस स्टॉप है उसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। जो कि सब स्टेशन में, सब स्टेशन देखे होंगे जहां पे बहुत सा सभी इक्विपमेंट्स रहते हैं, एक जगह से अगर सप्लाई आता है तो सब स्टेशन आता है या ग्रिड रहता है, आप जानते होंगे। तो वहाँ भी और ट्रांसमिशन लाइन में भी, जेनरेशन के पास भी, जहाँ भी हमको प्रोटेक्ट करना है, जिस भी एरिया में प्रोटेक्ट करना है, जेनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करना है, सब स्टेशन को प्रोटेक्ट करना है, लोड को प्रोटेक्ट करना है, तो सभी जगह आपको क्या रहेगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर रहेगा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर भी अलग अलग फॉर्म का रहता है, एयर सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम का सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वाल्व सर्किट ब्रेकर, ये सभी ऑपरेशन है। नाम से पता है कि इसमें
इस सर्किट ब्रेकर के अंदर में हवा भरा रहेगा, इसमें वैक्यूम रहेगा, इसमें एसएफसी गैस रहेगा और इस सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे वायर रहेगा, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर में ये सब चीज का क्यों जरूरत पड़े, अगर जो लो वोल्टेज है, सबसे लो वोल्टेज जो पड़े हैं लोड टेंशन के, तो वहाँ पे हवा में ही सिर्फ काम में आ जाएगा। जैसे उसे ज़्यादा जाएंगे तो वैक्यूम आ जाएगा, वायल आ जाएगा, SF6 आ जाएगा। तो इसको भरने की क्या ज़रूरत है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे ही अगर सर्किट ब्रेकर में हाई करंट जहाँ पे फ्लो हो रहा है, सर्किट ब्रेकर का यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे ट्रिप हुआ मतलब ओपन हुआ, तो जैसे ही ये ओपन हुआ तो इसमें क्या हुआ है, बहुत ही तेज आर्किंग यहाँ प्रोड्यूस होगा। आर्किंग मतलब चिंगारी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब घर में भी देखते होंगे, जैसे आप हीटर आप यूज कर रहे हैं और स्विच को, अंधेरा अगर है रूम, स्विच को जैसे ही ऑफ करेंगे तो देखेंगे कि अचानक से बंद नहीं होता, थोड़ा सा स्विच के पास चिंगारी आता है। तो इस आर्किंग, और बहुत ही हैवी करंट है मान के चलो, हाई पावर के लिए है, पावर जहाँ पे हाई है और उस टाइम में करंट फ्लो हो रहा है हैवी करंट, या करंट ना भी हैवी हो रहा है, वोल्टेज हाई है तो करंट उसके अनुसार है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, आर्किंग प्रोड्यूस होगा। और इसको अगर आर्किंग को हम रोकने का कोशिश ना करें तो क्या करेगा, पूरा इसको गला देगा, इसको जला देगा, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग इसको आर्किंग में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो इसको बंद करना है तुरंत। इसके लिए अलग अलग वैक्यूम या SF6 या वायल जो आर्किंग को थोड़ा सा स्टॉप करता है, ठीक है। अगर डायग्राम देखना चाहिए, ये आपका एयर सर्किट ब्रेकर है। अब सर्किट ब्रेकर भी डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होता, जैसे MCB आप देखे होंगे, MCB में डायरेक्टली यहाँ पे ऑपरेट होता है, सीधे वायर से कनेक्ट है और वायर यहाँ पे जैसे करंट हैवी फ्लो होता है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। पर MCB में, पर जो स्विच गियर में जो पार्ट है, जो सब स्टेशन में लगे रहते हैं, ठीक है, स्विच गियर का पार्ट तो MCB है, लेकिन जो स्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए एक यहाँ पे रिले लगा रहता है। ये आपका सर्किट ब्रेकर है और ये आपका रिले है। रिले क्या करता है, सेंस करता है, पहले 2 एम्पियर फ्लो रहा था, 2 एम्पियर से 10 एम्पियर अगर गया तो 10 एम्पियर में जाएगा तो ये सेंस करेगा कि हाँ करंट यहाँ पे हैवी फ्लो हुआ। अब इसमें करंट हैवी फ्लो हुआ तो इसको स्विचिंग के लिए, जैसे हैवी करंट फ्लो हुआ, इस ट्रिप करेगा, यहाँ पे एक सोर्स लगा रहता है बैटरी सोर्स, और जैसे ही हैवी करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे इसको ऑन कर देता है। यहाँ पे स्विच पहले ओपन रहता है, जैसे हैवी करंट फ्लो, इसको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा इसमें, अभी बैटरी रिले में यहाँ पे बैटरी लगा, मान के चलो 10 वोल्ट का बैटरी है, पहले स्विच ऑफ था, जैसे 2 एम्पियर से 10 एम्पियर हुआ तो MCB में कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रो मैकेनिकल है कि जैसे हैवी करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, MCB ट्रिप हो जाता है, सिमिलर में भी यहाँ पे इधर से इधर मूव कर जाएगा, इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, एक करंट क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट कर देगा, ऑन कर देगा, ऐसे सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ऑन नहीं रहता है। तो रिले का काम क्या है कि इसको सिग्नल प्रोवाइड करना है ताकि कब इसको ऑन होना है, तो ये सिग्नल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, सबसे पहले सेंस करता है। रिले क्या करता है, करंट को सेंस करता है कि हैवी करंट ओवर करंट यहाँ पे हुआ कि नहीं। तो रिले अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे ओवर करंट के लिए आएगा, ओवर लोड के लिए आया, ओवर करंट, ओवर लोड, ओवर वोल्टेज, ठीक है, अगर डिस्टेंस, ठीक है, उसके डिस्टेंस के लिए आता है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है वायर का तो उसके लिए रिले आता है। तो ये सेंसिंग डिवाइस है, रिले क्या है, एक सेंसिंग डिवाइस है। एक आता है इसमें आइसोलेटर, आइसोलेटर का काम होता है सर्किट को तोड़ना, ठीक है। अब
आपको मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर्किट ब्रेकर भी सर्किट को तोड़ने के लिए काम आ रहा है, आइसोलेटर भी सर्किट को तोड़ने के लिए काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समझिए। जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो जैसे ही सर्किट को आप तोड़ेंगे तो बहुत ही हाई आर्किंग चिंगारी यहाँ पे आएगा जो कि यहाँ पे पूरा चीज़ को जला देगा। तो अगर ऑन लोड है, ऑन लोड है कि यहाँ पे करंट जब फ्लो हो रहा है तो उस टाइम में सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आइसोलेटर भी कनेक्ट रहेगा, साथ साथ में आइसोलेटर भी कनेक्ट रहेगा। आइसोलेटर क्यों कनेक्ट रहेगा, मान के चलो यहाँ पे लोड है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ कौन करेगा, तो यहाँ पे रिले रहेगा, रिले यहाँ पे ऑन ऑफ करेगा, सिग्नल देगा। यहाँ पे बहुत ही हैवी करंट फ्लो हुआ, मान के चलो कि 2 एम्पियर की क्षमता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 एम्पियर की क्षमता है, 10 एम्पियर फ्लो हुआ, तो रिले यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, सिग्नल दिया, सिग्नल दिया, तो सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे हटा दिया, सर्किट को तोड़ दिया। पर अगर रिले को वापस 2 एम्पियर आ गया तो सिग्नल क्या करेगा, इसको ऑफ करेगा, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को दोबारा ये ऑन कर देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन करेगा, बार बार इसको ऑन ऑफ करने, एमसीबी की तरह नहीं है कि सर्किट ब्रेकर को एक बार ट्रिप हो गया तो इसको वापस इसको ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे रिले क्या करेगा, सिग्नल देगा कि बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहा है, इसको ऑन करेगा, बैटरी से सिग्नल देगा, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को तोड़ देगा, इस सर्किट को तोड़ देगा, सर्किट ब्रेकर से वापस नॉर्मल करंट फ्लो हुआ तो नॉर्मल जैसी करंट फ्लो हुआ तो इसको सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगा। अगर कोई आदमी यहाँ पे मान के चलो कोई मेंटेनेंस का काम कर रहा है और सिर्फ सर्किट ब्रेकर से यहाँ पे टूटा तो उसमें क्या हो जाएगा कि खतरा हो सकता है, वापस कभी भी सर्किट ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम चाहते हैं सेफ्टी पॉइंट के लिए कि इस सर्किट को कंटिन्यू परमानेंटली तोड़ दो, मतलब परमानेंटली मतलब तोड़ दो करने का मतलब है कि उस टाइम में मान लीजिए 1 घंटा के लिए काम करना है तो 1 आवर के लिए तोड़ दो, ताकि कोई करंट फ्लो होने का चांस ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ऑफ लोड जब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है उस टाइम में आइसोलेटर काम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं, मान के चलो किसी आदमी को यहाँ मेंटेन करना है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, तो पहले क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को तोड़ेगा, सर्किट ब्रेकर टूटा उसके बाद फिर आइसोलेटर को तोड़ेगा। ऑन लोड, लोड के टाइम में अगर करंट फ्लो हो रहा है उसको उस टाइम में आइसोलेटर को हम नहीं तोड़ सकते हैं, पहले सर्किट ब्रेकर उसके बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर मतलब अब तो कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे वायर को बिल्कुल हटा ही दिया, ठीक है, वायर को हट गया तो अब कोई करंट फ्लो होने का चांस नहीं है, तो आदमी यहाँ पे सेफ्टी से काम कर सकता है। इसमें क्या है कि ए पार्ट जैसे लिखा हुआ ए मूवेबल पार्ट है, यहाँ पे इस ढंग से घूमता है, ये इस ढंग से यहाँ पे घूम सकता है। सर्किट ब्रेकर दो होता है, एक तो बीच बीच वाला फिक्स रहता है, दोनों से आप मूव करेगा, मान के चलिए यहाँ पे ऐसे है, बीच फिक्स है और ये इधर घूम गया, इधर घूम गया, या दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे ऐसे है, एक फिक्स है और एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे एक ही पॉइंट से यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे वायर है, यहाँ पे फिक्स है, ये वाला यहाँ से मूव करके ऐसे हो जाएगा ऐसे। और इसमें क्या है, इसमें अगर देखें तो ऐसे यहाँ पे था, पहले ऐसे था यहाँ पे कनेक्ट 3 पॉइंट, अब क्या हो जाएगा कि इसमें ऐसे है, ऐसे मूव कर गया और यहाँ से ऐसे मूव कर दिया, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट से मूव कर रहा है आइसोलेटर, यहाँ पे एक पॉइंट से मूव कर रहा है, ओके समझ में आ गया होगा आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के बीच में डिफरेंस। ए पार्ट आपका लाइटनिंग अरेस्टेड है, अगर यहाँ पे लाइटनिंग जो कि बादल गरजने की वजह से बहुत ही हैवी करंट फ्लो होता है तो उसको यहाँ पे अरेस्ट कर देगा, नहीं तो क्या होगा, इस वायर में हैवी करंट फ्लो होगा और ये करंट यहाँ पे कहीं ना कहीं जाएगा और डिवाइसेस को डैमेज करेगा, तो ये क्या करेगा, जो भी बादल से जो बरसात के टाइम में जो लाइटनिंग आता है उसको क्या करेगा, यहाँ पे अरेस्ट करके इसको ग्राउंड में भेज देता है, ठीक है। सिमिलर में एक आता है सर्ज अरेस्टर, सर्ज
चार्ज अरेस्टर अचानक से वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज में अचानक से चेंज आ रहा है, मान कर चलो कि 11 kV का है और कुछ सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्ज आया, जैसे ऐसे अगर है और अचानक से सर्ज आके ऐसे आ गया और फिर नॉर्मल हो गया, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंस्टेंट के लिए अगर बहुत ही हाई वोल्टेज आए तो उसके वजह से डिवाइसेस को डैमेज कर सकता है, तो उस टाइम में इस सर्ज को एक्स्ट्रा वोल्टेज को यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और ये डिवाइसेस को ट्रांसफर, डिवाइसेस के पास जो भी है लोड आपका वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये आपका है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और ये आपका है करंट ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मान के चलो यहाँ पे 33,000 वोल्ट का जा रहा है सप्लाई, तो इसको वोल्टेज को मेजर कौन कर, जैसे हमारे पास होता है वोल्ट मीटर लैब में, यहाँ पे मेजर करने के लिए इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को मेजर करता है। इसको एक वोल्टेज को 33,000 के जगह पे इसको मान के जो 33 से डिवाइड कर दिया, 1,000 वोल्टेज के अनुसार में रीडिंग देगा, तो 33 से डिवाइड करके जो भी टर्म आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ से आएगा और ये यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्टेड है, सेकेंडरी टर्मिनल यहाँ पे है, प्राइमरी यहाँ पे है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर, सिमिलर में है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट, और यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर करंट मेजर करना है, जैसे एमीटर काम करता है तो यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ से आया और इधर से यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया वापस, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में है, एमीटर की तरह यहाँ पे काम में आएगा, तो ये सभी चीज़ हो जाएगा। लास्ट जो पार्ट है आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपको डिटेल में बताया गया है, इसको प्रैक्टिकल भी कराया गया है, ट्रांसफार्मर का काम क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में हेल्प करता है बिना उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम, तो ट्रांसफार्मर को यूज़ में लेते ही हैं, ओके। ट्रांसफार्मर का मेनली काम में क्यों यूज लेते हैं, जैसे कि पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है कांस्टेंट, जनरेटर एक पावर बनाया है जो कांस्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इसने बनाया पावर 100, अगर 20 वोल्टेज है तो 5 एम्पियर फ्लो होगा, अगर 25 वोल्ट है तो 4 एम्पियर फ्लो होगा, और अगर 10 वोल्ट है तो 10 एम्पियर फ्लो होगा। अब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मान के चलो ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 1,000 किलोमीटर रहता है, 1,000 किलोमीटर का यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, तो 10 एम्पियर फ्लो होगा उतने ज़्यादा यहाँ पे लॉसेज होगा, I x R लॉसेज होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए पावर तो सेम ही है 100, तो हम क्या करते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि करंट कम हो और लॉसेज I x R लॉस वायर में कम हो, वापस जब लोड के पास जाता है तो वापस इसको वोल्टेज को कम कर देते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन में इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना आज के लिए, थैंक यू।